फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो असेंबली ड्राइंग ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है। फ्लेक्सिबल कपलिंग का काम होता है जो रोटेटिंग पार्ट है उनको कनेक्ट करना। जब कुछ डिग्री ऑफ एंगुलर या फिर पैरेलल मिस अलाइनमेंट होते, जब जैसे कि शाफ्ट होती है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। अब इसके अपन क्या करेंगे, जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये डिसेंबल पार्ट है, इनको हमें क्या करना, असेंबल करना है। इससे पहले भी हमने जो असेंबली की कई वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे नकल जॉइंट है, स्पिगोट एंड सॉकेट जॉइंट है, प्लम्बर ब्लॉक है, यूनिवर्सल कपलिंग है, टूल पोस्ट है, फुट स्टेप बेयरिंग है, स्टफिंग बॉक्स है, एक्सपेंशन जॉइंट है, इसके अलावा स्क्रूप जैक है। इन सब की क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप जा सकते हैं, या फिर भी मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है असेंबली ड्राइंग के नाम से, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या एक कंप्लीट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के नाम से या फिर मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के नाम से एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप पूरे जो भी ऑल थ्योरी की वीडियो भी मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के वो भी जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको क्लियर दिख रहा है, सिर्फ हमें क्या करना है, इस पार्ट को इस पार्ट को एक दूसरे से मिलाना है, और इस शाफ्ट को यहाँ से कनेक्ट करना है, यहाँ से कनेक्ट करना है, और ये नट दिख रहा है उसको यहाँ पर लगाना है नट, और नीचे लगाना है और सेंटर में लगेगा, उससे हमारी ये शाफ्ट कनेक्ट हो जाएगी और हमारे पार्ट डिसेंबल पार्ट है वो असेंबल हो जाएंगे। अब आपको मैं पहले एक्चुअल दिखाता हूँ कि किस तरह की फ्लेक्सीबल कपलिंग होती है। देखिए, इस तरह की फ्लेक्सीबल कपलिंग होगी, जो हमारे पार्ट दो दिख रहा है, जो कि अभी क्वेश्चन दिखाया था, एक पार्ट ये था, एक पार्ट इस तरह का, एक दो तीन, और इधर एक साइड नट लगा हुआ है, इधर से उधर से शाफ्ट कनेक्ट है। याद रखें, यहाँ से जब हम क्या है, इसका जो फ्रंट व्यू बना वो इधर से देखने पर बना हुआ है, तो हम जब देखेंगे इधर से देखने पर देखेंगे तो ये नट है और ये नट है, हमेशा दोनों एक ही अलाइनमेंट में आएंगे, एक ही सेंटर में आएंगे, तो इस सेंटर में ओनली एक नट बनेगा, एक ऊपर बनेगा, एक नीचे नट बनेगा, और जो हमारा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग सेम अपन आंसर बनाएंगे। तो जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको, हमें क्या करना है, इस ये फर्स्ट पार्ट है, इसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो ड्राइंग दिखा रहे हैं अभी आपको वो इस पार्ट की सबसे पहले ड्राइंग की, इसके बाद हम इस पार्ट को इंसर्ट करेंगे, फिर दोनों पार्ट्सों में क्या करेंगे, हमें ये नट दिख रहा है आपको, यहाँ पर नट लगाओ, इस पार्ट को अंदर इंसर्ट कराएंगे, इसको फिर नट को यहाँ लगाएंगे, इन दोनों शाफ्टों को अंदर लगाएंगे, ये नट एक यहाँ लगाया, जैसा कि मैंने अभी 3D व्यू दिखाया था, एक यहाँ लगेगा, एक सेंटर में लगेगा, एक नीचे लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसको मैंने सबसे पहले बनाया, तो इसकी हम डायमेंशन समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की है, जो 30 दी है, जबकि यहाँ पर जो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डायमीटर दिया 80 दिया, मतलब सेंटर से 90 ऊपर 90 ऊपर, तो सबसे इस लाइन को यहाँ पर जो लाइन दिख रही है वो 90 ऊपर 90 ऊपर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस है 180। ठीक है, इस लाइन खींच दिया, फिर इधर 30 आ गया, फिर ऊपर कितना जाना, जो कि यहाँ पर दिया यहाँ से सेंटर तक, मतलब 90, मतलब ये कितना था 180 था, तो अंदर कितना जाएगा 90 अंदर पहुँच गए हम, फिर इतना बाहर कितना आना 38 आना। ठीक है, इस पॉइंट से 38 आएंगे, कैसे आएंगे, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस देखनी है, जो कि 88 दी है, जो कि यहाँ पर दी है, आप देख लें जो डिस्टेंस दी है, तो सेंटर लाइन से ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे, जब ये पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, तो इधर 38 निकाल देंगे, इधर से भी 38 निकाल देंगे, इसको जॉइंट कर देंगे, ये जो हिस्सा है ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब हमारा ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा कैसे ड्रॉ किया देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से इधर को अंदर कितना 16 है, जबकि इसकी इसकी जो कितना दी ऊपर से यहाँ तक कितना दिया 30 दिया है। अब इसकी हम सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, 90 है, सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी कितने देंगे 145 है, तो हम यहाँ से कितने 90 में से इसका 145 का आधा कितना, 72.5, तो टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा 17.5, मतलब इस सेंटर से ये ऊपर तक की डिस्टेंस होगी 17.5, और इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस है 15, क्योंकि यहाँ पर 30 दी हुई है, तो जो इतनी डिस्टेंस कितनी बचेगी 2.5, तो हमारा जो ऊपर जो लाइन ड्रॉ करती है वहाँ से 2.5 नीचे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देंगे तो सेंटर से सेंटर हमारा, अब इस जो लाइन ड्रॉ ये हो जाएगी, तो यहाँ से सेंटर कितने पे 15 पे, तो हम देखेंगे यहाँ से एक सेंटर डाल देंगे 15 पे और नीचे 15 निकाल देंगे, तो हमारा ये 30 का डायमीटर कंप्लीट हो जाएगा, और नीचे हमें बताया जैसे ये 2.5 ऊपर छोड़ा है, यहाँ पर भी 2.5 गैप दे देंगे, तो हमारा ये हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ गैप दे दिया 2.5, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस यहाँ पर दी 16 दिए, मतलब यहाँ से कितना दिया 16 दिए, यहाँ से 16 छोड़ देंगे जी, जब यहाँ से 16 छोड़ देंगे और यहाँ से 2.5 का गैप दे देंगे, तो हमारा ये जो लाइन है जनरेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 2.5 का गैप दिया, ये जो लाइन है ऑलरेडी 2.5 का यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, 2.5 का गैप दे देंगे, इधर अंदर कितना आएंगे, ये टोटल 30 है, 16 अगर घटा देंगे, यहाँ पर डायमेंशन भी दिए 14 बचेगा, 14 यहाँ से बना के राइट कर देंगे, तो हमारा ये वाला पॉइंट तैयार होगा, मतलब ये वाला आराम से अब सेम इस तरफ का पीस बनाएंगे। अब यहाँ से समझते हैं अपन,
यहाँ की इसके बीच में कुछ गैप रहेगा वो कैसे रहेगा। ये तो टोटल 36 दी है, जबकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो 30 दी हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंसर्ट होगा ये पूरा, तो कितना 33 इंसर्ट हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन 6 ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट 6 डायमेंशन बचेगा, क्योंकि 36 में से 30 जाएगा तो 6 बचेगा, वो इधर अंदर इंसर्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने का 6 गैप होगा, याद रखना है किससे आया, यहाँ से 36 में से 6 माइनस 30 माइनस किया 36 में से, इसलिए 6 जो बच रहा है वो इन दोनों के बीच में गैप होगा, क्योंकि ये अंदर इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ से इधर को इंसर्ट होगा तो यहाँ से यहाँ तक 30 हो जाएगा और आगे बच जाएगा 6। जैसा कि दिख रहा है इधर का पार्ट बनाया मैंने, जो यहाँ पर दिखते बहुत आसान है, सेम पार्ट जैसे इधर बनाया वैसा इधर भी बनाना। हमने जैसे बताया इसके बीच में हमें ऑलरेडी इसके बीच में 6 का पहले से ही गैप छोड़ देना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 6 गैप छोड़ दिया, जैसे कि यहाँ डायमेंशन दी 6, याद रखना क्यों छोड़ा, इसकी डिस्टेंस 36 है, इसकी 30 है, तो दोनों को माइनस कर 6 बचेगा जो कि अंदर इंसर्ट होगा, यहाँ से पूरा यहाँ से ये पार्ट यहाँ इस पार्ट का यहाँ से आएगा और इधर 6 बच जाएगा। तो हमने इसका ऑलरेडी गैप छोड़ दिया इस पार्ट को बनाने के लिए, फिर इसको अंदर इंसर्ट करेंगे जब बनाएंगे। तो इसका सेम 30 इधर गया, ऊपर कितना गया 90 गए, और जो इसका डायमीटर 88 है, 44 इधर 44 इधर, इसका जो गैप है 38, जो कि यहाँ 38 गैप हो जाएगा, इस तरह हमारा जनरेट हो जाएगा। अब इधर कितना अंदर आना देख लेते हैं। अब इन दोनों के जो पट्टी गैप है 16 दिया है, यहाँ पास देख रहा 16 गैप दिया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 16 गैप हो जाएगा टोटल, इसमें से माइनस 30 और 38 में 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ का गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 38 आएंगे, फिर इधर कितना 30 में से 16 चला जाएगा 14, तो यहाँ 14 का 16 का गैप बच जाएगा, तो ये कितनी आएगी 30 और 14, तो यहाँ से 38 और 14 आ जाएगा, तो यहाँ कितने का 16 का गैप बच जाएगा ये वाला। ऊपर कितना जाना हमें, जो कि यहाँ से यहाँ तक जो ऑलरेडी डिस्टेंस होगी उतना ही हम ऊपर को जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर कितना छोड़ देना 2.5 का गैप छोड़ देंगे, जो यहाँ पर 2.5 का गैप छूटा हुआ है, और अंदर आएंगे कितना, जहाँ तक ये लाइन है यहाँ तक अंदर आएंगे और इसमें इतना बीच गैप छोड़ देंगे। अब जो आपको ये दिख रही है, जो यहाँ पर जो दिख रहा है, जो कि हॉल के लिए दिया नट के हॉल के लिए, तो इसका जो डायमीटर 12 है, तो हम इस सेंटर लाइन से 6 ऊपर 6 ऊपर करके ये हॉल बना देंगे। ठीक है, तो हमारा इस पार्ट को भी आसानी से बन जाएगा, जैसा कि इसको बनाया था वैसा ही इस तरफ दोनों पार्ट बन गए हमें। अब हम इसको इंसर्ट करेंगे और नट को इंसर्ट करेंगे। तो ये पार्ट दिख रहे हैं आपको, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया क्योंकि आसान था। अब जिस इस पार्ट को हमने इसके अंदर इंसर्ट किया, सेंटर लाइन थी ऑलरेडी, इसका जो डायमीटर अंदर का जो डायमीटर दिया 16 दिया है, सेंटर लाइन से सेंटर दिया 16 का 8 ऊपर 8 नीचे खींच देंगे। अब इसका जो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर दिया, यहाँ पर दिख रहा है 28 दिया हुआ है, 28 डायमीटर दिया है, 28 डायमीटर जब यहाँ से दिया सेंटर लाइन से आधा ऊपर यहाँ तक जो गया हुआ है, आधा नीचे यहाँ तक गया हुआ है, और इधर लेंथ कितनी सीधा यहाँ इंसर्ट करा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 36 है, इधर इंसर्ट करा दिया, याद रखें इसका 20 डायमीटर 28 डायमीटर यहाँ दिया है और 16 डायमीटर अंदर का दिया है। तो जैसा भी डायमंड का जो ग्रिपिंग के लिए बनी हुई है डायमंड शेप में बना हुआ है यहाँ, उसी तरह की सेम हैचिंग कर देना अंदर, और इसको सही से क्लियर दिखाने के लिए हमें जो हैचिंग यहाँ पर दी वही सेम हैचिंग हमने यहाँ पर कर दी, जिससे कि नट दिखने लगे, और ये यहाँ पर भी सेम हैचिंग कर दी यहाँ पर, क्योंकि ये हाफ सेक्शनिंग भी हुए। ठीक है, इधर भी हैचिंग कर दी, इधर भी कर दी। अभी नट लगाना आसान है, नट दिख रहा है आपको, इस नट को यहाँ 8 का यहाँ पर चौड़ाई देना है, उसका डायमीटर कितना है यहाँ पर 26 है, मतलब सेंटर लाइन से आधा ऊपर आधा नीचे, फिर यहाँ से यहाँ तक 36 कहाँ यहाँ तक जाएगा अंदर, जो कि 16 डायमीटर है, इसका डायमीटर 16 लेंगे, जो कि इसका भी 16 दिया है, इसके अंदर से जाएगा, फिर जो बाहर का हिस्सा है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने नट बताया, अब इस नट को यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर लगाना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि ये जो पार्ट रहता है वो यहाँ पर रहता है, जो अंदर वाला पार्ट है कितना डायमीटर 16, क्योंकि इतना पार्ट अंदर रहेगा, यहाँ 16 डायमीटर मतलब सेंटर लाइन से 8 उधर 8 उधर, बस आपको ऐसी लाइन लगाना है, और यहाँ पर जो नट लगा हुआ है उसका प्रोजेक्शन नीचे आएगा, वो हाफ सेंटर तक यहाँ पर इसका जॉइंट कर देना है, जबकि यहाँ से जिस तरह ये सेंटर लाइन ऊपर से यहाँ तक जितने पर सेंटर लाइन आई हुई है, इस तरह यहाँ सर यहाँ पर भी आपको इस तरह सेंटर लाइन डालना है। ऊपर से सेंटर लाइन डाली, कितनी डाली थी आपने, इस पॉइंट से 15 थी, ऊपर से 2.5, मतलब यहाँ से 17.5 पे, इस तरह से यहाँ से 17.5 पे एक सेंटर लाइन डालेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से 17.5 पे एक सेंटर लाइन डालेंगे, और जो इन दोनों का डायमीटर कितना 16 है, मतलब 8 इधर 8 इधर डाल देंगे, और यहाँ का जो डायमीटर है वो जो प्रोजेक्शन आया हुआ है, जो इसका डायमीटर 12 है, तो 6 ऊपर 6 नीचे ले लेंगे, या सेंटर लाइन से 6 यहाँ पर भी ले लेंगे, तो इस तरह ये नट फिट हो जाएंगे। अब जो शाफ्ट लगाना बहुत आसान है, शाफ्ट को अपन कुछ नहीं इसके अंदर इंसर्ट कराना, पूरी शाफ्ट को बाहर निकली हुई दिखाना, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं रहती है, ये अंदर पूरा आप इंसर्ट करा दें, जैसा डायमीटर जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको वैसा सेम बना देना, इधर का पोर्शन इस तरफ का, तो इस तरफ का सेम इधर बना दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ ये डॉट डॉट लाइन, यहाँ पर भी डॉट डॉट लाइन बना दी है, और जो इसका डायमीटर कितना दिया 12 दिया है, तो सेंटर लाइन से 6 ऊपर 6 नीचे, ये 6 पे डॉट डॉट लाइन आ जाएगी, ऊपर वाली सॉलिड आ जाएगी, जो कि जैसी बनी हुई है,
इसको अंदर इंसर्ट करा देंगे, तो जो दो लाइनें एक सेम इंसर्ट हो जाएंगी। इसकी जो की दी है वो यहाँ पर बनाएंगे, इस तरफ की क्यू की दी है तो यहाँ पर की बनी हुई, इसको अदर पूरा इंसर्ट करा दिया है। ठीक है, अब ये जो की दिख रही है यहाँ पर एट, तो जो यहाँ पर गैप दिया हुआ है, जो यहाँ इस लाइन से जो हैचिंग नहीं दिख रही, वो इस पॉइंट से जो ऑलरेडी हमारे पॉइंट में इस जिस लाइन से पहले से बनी हुई है, इससे एट का यहाँ पर गैप दे देंगे, जो कि यहाँ पर की का डायमेंशन दिया एट है ना, तो यहाँ पर एट का गैप दे देंगे। फिर जो हैचिंग यहाँ पर बनी हुई सेम सारी हैचिंग सेम कर देंगे। इस तरह हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। इसका साइड व्यू और है वो भी बताता हूँ। साइड व्यू में सर्किल सर्किल आएंगे, जो कि यहाँ से सर्किल जो दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड ये तो फ्रंट व्यू आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। इन नट आपको लगाना आता होगा कैसे लगाना है, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 12 है जो यहाँ से दिख रहा है, और इसका जो डायमीटर दिया है इसका बीच का 12 दिया है, तो 6 ऊपर हो जाएगा, 6 मतलब टोटल जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक कितना 24 हो जाएगा। इसका नट का 12 दिया, तो नट लगाना बहुत आसान होता है। ऑलरेडी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नट बनाने की हमने मेथड दी है, वो सीख लें आप कैसे नट बनाते हैं, कैसे इसकी लेंथ निकालते हैं, कैसे डायमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो यह नट लगाना था बस, इसको इसकी 6 डायमेंशन कैसे कैसे क्या बच रहा वो भी बता दिया मैंने। ये साफ तो इंसर्ट करना बहुत आसान है, जो बाहर निकला हुआ है इसकी डायमेंशन कोई मतलब नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं इधर भी इधर भी। इसका डायमीटर जरूर दिया 45 दिया है। ठीक है, तो 45 जो कि यहाँ पर दिया हुआ, तो उससे आप देख लें 45 डायमीटर दिया, इसलिए सेंटर लाइन से आधा ऊपर आधा नीचे निकालते हैं। ठीक है, अब इसका हम साइड व्यू और दिखाते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है इसका स्टार्टिंग किया सर्कल बनाना, जिसका साइड व्यू हमने जो डायग्राम दिखा है हमारा फ्रंट व्यू था, मैंने इसको मूव करा के रख दिया है, जैसे कि ये दिख रहा है, लेकिन साइड व्यू इधर भी बनेगा, लेकिन मैंने मूव करा के, क्योंकि तीनों व्यू की जो क्वेश्चन भी दिखाने की कोशिश की मैंने और इसका फ्रंट व्यू दिखाने की कोशिश की, इसके इधर साइड व्यू बनाया है मैंने। सबसे पहले देखें जो यहाँ से और यहाँ तक का जो डायमीटर दिया मतलब सर्किल आएंगे, 180 सर्किल दिया, तो पहला सर्किल जो आएगा बाहर का सर्किल है, 180 मतलब 90 की रेडियस लेके एक सर्किल खींच दिया। फिर दूसरा सर्कल आएगा जो यहाँ पर 2.5 का गैप इधर दिया था मैंने, 2.5 का इधर रहेगा, क्योंकि ये हाफ सेक्शन नहीं है इसलिए इधर गैप दिखाया, इधर मैंने सिर्फ कनेक्ट करके दिखाया, तो 2.5 इधर 2.5 इधर दोनों तरफ कम हो जाएगा, 180 में से कम कितना हो जाएगा 10 कम 2.5 कम हो जाएगा, तो 175 बचेगा। 175 का आधा डायमीटर लेके आधा रेडियस लेके डायमीटर का ये दूसरा सर्कल जो दिख रहा है ये दूसरा सर्कल खींच देंगे। फिर हमारी ये देखो प्रोजेक्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो डायमीटर दिए 88 है, तो 44 लेके अपने इसका भी सर्कल खींच देंगे। जो अंदर वाला दिख रहा है शाफ्ट वाला 45 का, इसका भी आधा सेंटर आधा रेडियस लेके जो 45 का डायमीटर दिया उसका भी एक सेंटर एक सर्कल खींच देंगे। इस तरह चार सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते कैसे ड्रॉ होता है। नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ करने से पहले हम बता दें कि यहाँ पर हमें सेंटर लाइन खींचना, सेंटर लाइन कौन सी, ये जो सेंटर लाइन जो नट की जो सेंटर लाइन आएगी वही इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, नट की सेंटर लाइन जैसे यहाँ पर दी है कितनी 145 दी है टोटल, 145 का आधा 145 डायमीटर, तो इसका आधा लेके रेडियस लेके अपन यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो कि 145 की आधी रेडियस लेके। फिर जो सेंटर लाइन है वहाँ पर हम चार नट लगाएंगे, कि मैंने डायरेक्ट चारों नटकों को सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश की, तो जो हमारी सेंटर लाइन आई थी इसका डायमीटर दिया था 145, आधी रेडियस लेके जो सेंटर लाइन खींची थी वहाँ से, क्योंकि अब जो नट है उसका डायमीटर 12 दिया है, जो कि होल दिया है आपको दिख रहा था, तो 6 का रेडियस लेके यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 4 होल बना देंगे। अब यहाँ पर दिख रहा है जिस तरह की यहाँ नट में यहाँ पर नट बना देंगे, नट बनाना आपको आना चाहिए। ये जो इसका जो कितना है टोटल टोटल देखेंगे तो 24 क्या है इसका डायमीटर है, तो 12 का रेडियस लेके हम क्या करेंगे ऐसा सर्कल बना देंगे। सर्कल के ऊपर से हम जो हमारी क्या रहती है हमारी स्केल रहती है या फिर हमारा रोलर रहता है उससे हम इसका जो देखेंगे कितना है 12 है, तो 6 ऊपर 6 ऊपर खींच देंगे, इधर भी खींच देंगे और टेंजेंट इधर से डाल देंगे इधर डाल, ऐसा ही यहाँ पर बना देंगे, इस तरह यहाँ पर कर देंगे है ना, ये बना देंगे उस तरह 12 12 करके अपन खींच देंगे, तो याद रखें। ठीक है, इस तरह नट हम एक यहाँ तीन बने हुए, चौथा भी बना लेंगे आप, तो इस तरह हमारा साइड व्यू कम्प्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा फ्लेक्सिबल कपलिंग की जो फ्रंट व्यू साइड व्यू बहुत इजी थे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है लाइक करें शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं और भी असेंबली की, तो पूरे वीडियो देख लें, और हमारी मैकेनिकल ड्राफ्टिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप ऑल मैकेनिकल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड वीडियो देख लें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भी वीडियो देख सकते हैं, थर्मल इंजीनियर FM और बहुत सारे सब्जेक्टों की वीडियो है वो भी आप देखें। तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।